आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आइए रुक करते हैं 100 बड़ी खबरों का। सोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस ने पश्चिमी समुद्र तट पर दिखाया दमखम। आईएनएस विशाखापट्टनम ने किया सफल परीक्षण। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, पाकिस्तान, राहुल व केजरीवाल एक ही बोल रहे हैं। 1984 दंगों में लिए गांधी परिवार ने माफी नहीं मांगा। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी का झलका दर्द, कहा, मैंने लोकसभा चुनाव लड़ा तो मुझे भी भैया कहा गया। फिहीप का आग्रह, यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को स्वदेश वापसी के लिए विशेष अभियान चलाए भारत सरकार। जब विवाद को जानबूझकर हवा दे रही कांग्रेस, नकवी ने कांग्रेस पर बोला तीखा हमला। कर्नाटक विधानसभा में ही कांग्रेस विधायकों ने लगाया बिस्तर, ईश्वरप्पा के इस्तीफे की हो रही मांग। कर्नाटक के अल्पसंख्यक संस्थान में ही हिजाब पहनकर आने पर रोक, राज्य अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने जारी किया सर्कुलर। हिजाब के मुद्दे पर कर्नाटक हाई कोर्ट में दलीलें, मुस्लिम छात्राओं के वकील बोले यह आदेश संविधान के खिलाफ। के मुद्दों पर सुरक्षा परिषद की बैठक में भारत ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए तनाव बढ़ाने वाले कदम से बचें। एपीजी शिपयार्ड के पूर्व सीएमडी ऋषि अग्रवाल से सीबीआई की पूछताछ, देश के सबसे बड़े बैंक घोटाले में कार्रवाई। गोवा में शत प्रतिशत टीकाकरण कार्यक्रम हुआ पूरा, राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई ने कहा यह हमारे लिए बड़ी उपलब्धि। युवराज सिंह को पंजाब व हरियाणा कोर्ट से लगा झटका, केस खारिज करने की मांग ठुकराई। तमिलनाडु में महिला को मंदिर में पूजा करने से रोका पुजारियों पर, SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज। सिंगापुर के पीएम की नेहरू का भारत टिप्पणी पर MEA ने जताया ऐतराज, उच्चायुक्त को तलब किया। बिहार में पुलिस की बर्बरता, बच्ची सहित महिलाओं पुरुषों को बांधकर रेत पर बैठाया, जानवरों की तरह लाई थाने। उत्तर प्रदेश में आज से थम जाएगा चुनाव, 16 जिलों की 69 सीटों, विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार मैदान में 627 प्रत्याशी। जॉब पर ओवैसी का बयान, समाजवादी भैया कहते हैं हमें कुछ सुनाई नहीं दे रहा। जालौन में अखिलेश का हमला, बोले गर्मी निकालने वाले ठंडे पड़ गए, 5 किलो खाद की चोरी। गांधी का फिर सरकार पर हमला, बोले भ्रष्ट व्यवस्था पर मजबूत सरकार से मजबूत कार्रवाई की अपेक्षा।
बढ़ेगी इलेक्ट्रिक बसों की संख्या, इसी माह आएंगी 10 नई बसें। बिजनौर में घर में घुसकर टेंट व्यवसायी की धारदार हथियार से हत्या, चारपाई पर मिला शव। गोरखपुर में गुनगुनी धूप से राहत, 26 फरवरी तक साफ रहेगा आसमान। अंबेडकर नगर में बारात में डांस के विवाद में खोया आपा, कुल्हाड़ी से काटकर युवक की हत्या। सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, बुलडोजरों की हो रही मरम्मत, 10 मार्च के बाद आएंगे काम। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य बोले, भाजपा ने ही पसमांदा मुस्लिमों का रखा पूरा ख्याल, सपा ने समझा सिर्फ वोट बैंक। नरेंद्र मोदी 27 को बस्ती, 28 को देवरिया और महाराजगंज में करेंगे चुनावी सभाएं। यूक्रेन में फंसे महाराजगंज के 3 छात्र, हालत बिगड़ने के बाद स्वजन परेशान। हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, 1200 करोड़ की खाद सब्सिडी घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपी। उप मुख्यमंत्री केशव मौर्य बोले, जबरन करहल भेजे गए मुलायम सिंह यादव। आईआरसीटीसी हमसफर राजधानी समेत वीआईपी ट्रेनों में भोजन की गुणवत्ता में करेगी सुधार। औरैया में चुनावी ड्यूटी पर जा रहे थे जवान, जवानों से भरी गाड़ी हुई दुर्घटनाग्रस्त। औरैया में चुनाव से पहले प्रशासन अलर्ट, पुलिस अर्धसैनिक बलों ने किया फ्लैग मार्च। औरैया में आजाद समाज पार्टी का कार्यक्रम, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया संबोधन। बिजनौर में जाल में फंसकर गुलदार की मौत, शव मिलने से ग्रामीणों में मचा हड़कंप। मऊ में मुख्तार अंसारी के बेटे ने किया नामांकन, कलेक्ट्रेट में से 2 में किया नामांकन। बस्ती में एक बार फिर हुआ पत्रकार पर हमला, घर के बाहर खड़ी पत्रकार की कार को पेट्रोल डालकर फूंका, 2 युवक ने इस वारदात को दिया अंजाम। इटावा में एक साथ दिखा यादव परिवार विजय रथ पर, अखिलेश शिवपाल दिखे एक साथ, मुलायम सिंह यादव भी विजय रथ पर हुए सवार। फतेहपुर में परेड का किया गया निरीक्षण, पुलिस अधीक्षक राजेश द्वारा परेड की ली गई सलामी, रिक्रूट आरक्षियों के प्रशिक्षण की ली गई जानकारी। तीसरे चरण का प्रचार जारी, कानपुर के बिरहाना में हुआ रोड शो, रोड शो में फिल्म अभिनेत्री अमीषा पटेल रही मौजूद। मड़ियावा हत्याकांड पर पुलिस सख्त, अधिकारियों ने घटनास्थल का लिया जायजा।
में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, बच्चों को लेकर हुआ विवाद, तीन महिला सहित एक ग्रामीण हुआ घायल। उन्नाव में पुल की रेलिंग तोड़ गंगा में गिरा कंटेनर, कानपुर से लखनऊ की ओर जा रहा था कंटेनर, कंटेनर में फंसे चालक और परिचालक। बलिया में भाजपा प्रत्याशी ने ओपी राजभर पर बोला हमला, राजभर समाज का हुआ शोषण। फर्रुखाबाद में पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह की महापरिवर्तन रैली, जनसभा में उमड़ा भारी जनसैलाब। मिर्जापुर में गठबंधन के प्रत्याशियों ने भरा नामांकन, कार्यकर्ताओं में फैल रहा भ्रम। देहरादून में जिलाधिकारी ने सड़क का किया निरीक्षण, निर्माण कार्य पूरा करवाने के लिए दिए निर्देश। देहरादून में ऑयल इंडस्ट्री व रिपैकिंग यूनिट पर छापेमारी, चार इकाइयों को जारी किया गया नोटिस। टी स्टॉल पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री, हल्द्वानी में टी स्टॉल पर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस उम्मीदवार सुमित रहे मौजूद। लियर में खेत में पड़ा मिला मादा गुलदार का शव, शव मिलने से मचा हड़कंप। लक्सर में दो पक्षों में झगड़े में चली गोली, घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार। उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष कौशिक का इंटरनेट पर फर्जी मैसेज वायरल, मचा हड़कंप, पुलिस ने किया मुकदमा। उत्तराखंड में कांग्रेस करेगी ईवीएम की निगरानी, प्रदेश अध्यक्ष ने प्रत्याशियों व जिला अध्यक्षों से की अपील। भाजपा का कांग्रेस पर निशाना, कहा बौखलाई कांग्रेस, ओछे हथकंडों पर अपना निकाल रही भड़ास। सेल्फी लेने रुके मेरठ और बागपत में के दो युवक, गंग नहर में डूबे और दोस्तों के साथ निकले थे मसूरी घूमने। हल्द्वानी को होगी पानी की परेशानी, एक साल से टैंकरों की सर्विस नहीं, जल संस्थान के टैंकरों की स्थिति खराब। यूपी में चुनाव प्रचार करेंगे उत्तराखंड के भाजपा नेता, 80 की सूची हाईकमान को भेजी। जिला पंचायत अध्यक्ष को नोटिस, हाईकोर्ट ने जिला पंचायत व सरकार से मांगा जवाब। पूर्व सीएम हरीश रावत के बयान पर रणजीत की चुटकी, बोले यदि होता किन्नर नरेश में। हरीश रावत बोले उत्तराखंड में ईवीएम के साथ हो सकता है छेड़छाड़। दूर की सड़कों पर दिखे अक्षय कुमार, कोई पहचान पाता मिस्टर खिलाड़ी, कुछ से पहले ही हुए गायब। संवेदनशील रक्षा सूचना की रूसी जासूसों की सेंध, सुरक्षा एजेंसियों का दावा 6 महीने से अधिक सक्रिय।
रूस के हमले की। पता हिटलर बाद में किया डिलीट। नाटो के सहयोगियों ने रूस पर दुनिया को गुमराह करने का लगाया आरोप, सेनाओं को वापस बुलाने को नहीं नजर आ रहे कोई संकेत। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका बोला, जमीनी सबूत बताते हैं कि यूक्रेन पर हमला करने की ओर बढ़ रहा रूस। नाटो देशों की ने भी उठाई सवाल। रूस अमेरिका में बढ़ी तकरार, मॉस्को से बाहर किए गए अमेरिका के दूसरे सबसे बड़े दूतावास अधिकारी। बाइडेन ने कहा, नहीं होगी कोई बात। चीन खुद ही mRNA वैक्सीन बना रहा, कोरोना से जंग में होगी ज्यादा कारगर। भारत ने यूक्रेन के लिए फ्लाइट से हटाए गए प्रबंध, जंग के डर के बीच स्वदेश लौट सकेंगे लोग। सेना को पीछे करे या अंजाम के लिए तैयार रहे यूएन में यूक्रेन के एम्बेसडर की चेतावनी। फ्रेशर्स के लिए नौकरियों की बहार, अगले महीने आईटी कंपनीज करेंगी लाखों भर्तियां। में बढ़ा निवेशकों का रुझान, इस साल टूट सकता है 2021 का रिकॉर्ड। राकेश झुनझुनवाला ने कहा, इंडिया का टाइम आ चुका है, 10% होगी भारत की ग्रोथ। आईपीओ में आने से पहले एलआईसी को लगा झटका, बीमा पॉलिसी बिक्री में आई तगड़ी गिरावट। सड़क परिवहन मंत्रालय का फैसला, गुड्स वाहनों के लिए जीपीएस के मानक तय। मुंबई में ट्रेन ट्रैफिक की रुकावट होगी दूर, मुंबई उपनगरीय रेलवे को मिली बड़ी सौगात। इंडियन रेटिंग्स ने बैंकिंग सेक्टर के आउटलुक में किया सुधार, 10% क्रेडिट ग्रोथ का लगाया अनुमान। केंद्रीय कर्मचारी की होली का मजा होगा दुगुना, बीएमएस ने डीएडीआर के एरियर पर सीएम को चिट्ठी लिखी, केंद्रीय कर्मचारी को 18 महीने का एरियर देने की मांग। महामारी से निपटने को भविष्य की तैयारियों के लिए और कोष उपलब्ध कराया, सीतारमण ने दिए ये बयान। सीबीआई ने रिकरिंग डिपॉजिट की दरें बढ़ाई, बैंक ने नई दर 15 फरवरी 2022 से की लागू, 10 साल तक की अवधि के लिए लिए जा सकते हैं आरडी।
तलाश, अगले हफ्ते बनाया जाएगा भारत का नया टेस्ट कप्तान। रोहित शर्मा ने बताई टीम की जरूरत, जूनियर अय्यर खेलेंगे सीनियर अय्यर बाहर। बाबर आजम की मैदान पर ही हुई बेइज्जती, दिग्गज खिलाड़ी ने लगाई डांट, वीडियो वायरल। रेलवे के खिलाफ मनीष पांडे की तूफानी बल्लेबाजी, 83 गेंदों पर 9 चौके 4 छक्कों की मदद से जड़ा शतक। ऑक्शन के बाद सनराइज हैदराबाद को झटका, साइमन कैटेज ने दिया कोच के पद से इस्तीफा। शतक ठोक अजिंक्य रहाणे ने दिया आलोचकों को जवाब, टेस्ट टीम में चयन का रास्ता साफ। राहुल चाहर ने शिवल्ली पर किया हुक स्टैप, पंजाब किंग्स ने भी युवा खिलाड़ियों का वीडियो किया शेयर, 42 आईपीएल मुकाबले खेले हैं राहुल। रणजी ट्रॉफी में गुजरात के अर्जुन नागासवाल ने मध्य प्रदेश के खिलाफ झटके, 5 विकेट रहाड़े, 119 रन बनाकर आउट। डांस इंडिया डांस लिटिल मास्टर 5 का प्रोमो आया सामने, मौनी राय के साथ बॉलीवुड की सोनाली बेंद्रे होंगी जज। नेटफ्लिक्स सीरीज के बाद कपिल शर्मा का एक और धमाका, नंदिता दास की फिल्म में निभाएंगे भूमि। खान ने कलरफुल ड्रेस में कराया शानदार फोटोशूट, फैन ने कहा कूल। शिवांगी जोशी और मोहसिन खान का तेरी अदा सॉन्ग हुआ रिलीज, दोनों के बीच दिखा रोमांस। हिंदुस्तानी भाव को 16 दिन बाद मिली मुंबई से संजय कोर्ट से जमानत, 1 फरवरी को किया गया था गिरफ्तार। दिशा पाटी ने लिफ्ट किया 80 किलो वेट, वीडियो देख हैरान हुए बॉलीवुड सेलेब्स। अक्षय कुमार स्टारर बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज, एक्टर बोले धूम धड़ाका रंग पटाका, आओ बना लो टोली, ला रहे होली पे गोली। फरहान शिबानी 19 फरवरी को मराठी रीति रिवाज से करेंगे शादी, हल्दी मेहंदी सेरेमनी में रिया अमृता समेत कई सेलेब्स पहुंचे। अलीशा चिन्नाय बोली गोल्ड से लदे बब्बी दा को एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेकिंग में आधा घंटा ज्यादा लगता था। नागार्जुन ने 1000 एकड़ के जंगल को लिया गोद, इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर की शेयर। बड़ी खबरों में इतना ही, देश दुनिया की और ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।